दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करेंगे उसका नाम है द आर्ट ऑफ सिडक्शन। ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए, आइए जानते हैं। किसी को भी आकर्षित करने में कई चीजें देखी जाती हैं। इसीलिए अगर किसी को अपनी ओर आकर्षित करना हो तो इससे पहले हमें इस कला को समझने की जरूरत है। आकर्षण कोई इत्तेफाक नहीं होता, क्योंकि इसमें हर समय कुछ ना कुछ ऐसी चीजें शामिल होती हैं जिससे आकर्षण सफल हो पाता है। द आर्ट ऑफ सिडक्शन में रॉबर्ट ग्रीन ने यह बताया है कि किसी को आकर्षित करना या सिडक्शन भी एक दिमाग के खेल की तरह है, जिसे पूरी तरह समझने पर हम इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर किसी को दूसरों को आकर्षित करना आता होगा तो उसे ये भी पता होगा कि दिमाग ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। द आर्ट ऑफ सिडक्शन में रॉबर्ट ग्रीन ने सिडक्शन की कई तकनीकें और इसके तरीकों को समझाया है। इसमें किसी के मन में इच्छा और भावनाओं को जगाना और फिर सिडक्शन को सफल बनाना सिखाया गया है। इस किताब को पढ़कर आप सीखेंगे कि सिडक्शन कैसे संभव है, खुद में खोए लोग ज्यादा आकर्षित क्यों करते हैं, और सभी चीजें सही करने से ही सिडक्शन सफल हो सकता है। किसी भी सिडक्शन तकनीक में हमारी समझ सबसे ज्यादा काम आती है। ये दिमाग का खेल है और इसीलिए हमें अपनी हर कमजोरी और ताकत की पहचान होनी चाहिए। हमें अपने टारगेट को आकर्षित करने के लिए उसे लुभाने के सभी दिमागी तरीके आजमाने होंगे, और जब तक थोड़ी भी भावनाएं हैं, सिडक्शन के कामयाब होने की संभावना बनी रहती है। इसके लिए क्या करें? सिडक्शन सफल करने के लिए हमें ऐसा दिखना चाहिए जो किसी की भी चाहत को जगा दे। हमें दोस्तों से घिरा रहना चाहिए और अपने आसपास अपने प्रशंसकों को रखना चाहिए, जिससे टारगेट पर हमारी राय अच्छी बन सके। लेसन नंबर वन, टारगेट के आसपास अपना वजूद बनाएं, लेकिन इसे ज्यादा ना करें। किसी भी चीज को अगर हम कई बार देखते हैं तो इसके बारे में हमारे मन में सोच बन जाती है। इसको सही ढंग से करना जरूरी है, क्योंकि इसे ज्यादा करने से वो भावना आम हो जाएगी और कम करने से दूसरे को इसका एहसास नहीं होगा। एक सही सिडक्शन प्रक्रिया में हमें हर छोटी चीज का ध्यान रखना होता है, ताकि हम टारगेट के दिल में उत्सुकता बना सकें और उसके मन में अपनी जगह बना सकें। ये कोई सीधा साधा काम नहीं है जो हम एक बार में पूरा कर सकते हैं। इसमें घुमा फिरा कर मुद्दे पर आने में ही समझदारी है। ऐसा करने से टारगेट की भावनाओं और सोच को पूरी तरह से काम करने का समय भी मिलेगा और मौका भी। सबसे पहले सिडक्शन में हमें अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं करना चाहिए। हमें अपनी भावनाओं को धीरे धीरे जाहिर करना चाहिए, ताकि टारगेट के मन में उत्सुकता बनी रहे। अगर हम बिल्कुल सीधी तरह से सामने आएंगे तो इससे हमारी इनसिक्योर भावना सामने आ जाएगी। इसीलिए बेहतर यही है कि अपने टारगेट को अपने पास आने का मौका दो, जिससे टारगेट को यही लगना चाहिए कि पहला कदम टारगेट ने उठाया है। खुद को टारगेट की पहुंच में रखें, लेकिन पहल टारगेट को ही करने दें। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके ड्यूक डी लाउजन को डचेस डी मोंटपेंजियर मिली। पहली बार मिलने में दिलचस्पी जगाकर फिर कुछ दिनों में बातें करना आसान बनाकर दूर हट जाने से ये पूरी प्रक्रिया ठीक से और धीरे से अपना काम करती रही। लेसन नंबर टू, अपने टारगेट के मन में दिलचस्पी जगाकर दूर हट जाएं। सिडक्शन एक ऐसा खेल है जिसमें दिमाग का सबसे बड़ा काम होता है। ये एक असली जिंदगी में शतरंज की तरह है, जिसमें जो दिखता है उसके पीछे एक और बात छुपी होती है, जिससे अगली बारी में साथ खेलने वाले को जीत का एहसास दिलाकर फिर मात दी जा सकती है। अगर किसी के दिमाग में अपने प्रति दिलचस्पी जगानी हो तो सबसे पहले हमें उसके दिमाग में अपने अलावा किसी और सोच की जगह खत्म करनी होगी। हमें अपने रूप और कामों से टारगेट के दिमाग में थोड़ी दिलचस्पी जगानी चाहिए और फिर उसे थोड़ा एहसास दिलाना चाहिए। ये बहुत आम बात है कि ना समझ में आने वाले लोग अक्सर हमें ज्यादा दिलचस्प और आकर्षित करने वाले लगते हैं। हमें टारगेट के सामने अपनी अस्पष्ट पहचान बनाए रखनी चाहिए, ताकि टारगेट हमें विचारशील और संजीदा समझे। जैसे सीधी सादी शक्ल वाला जब अपनी आंखों से कभी कभी फ्लर्ट करे और इसमें शर्म भी शामिल हो,
तो इससे टारगेट पर बहुत सफल असर पड़ सकता है। हमेशा सबसे आगे रहना या हमेशा सबसे पीछे रहना, यही सही नहीं होगा। हमें एक परफेक्ट बैलेंस बनाना जरूरी है। इन सभी भावनाओं को शामिल करना जरूरी है। इसी तरह से नेपोलियन बोनापार्ट ने जोसेफीन डी बेहरनाइस को अपनी पत्नी बनाया। नेपोलियन को पसंद करने वाली बहुत सारी लड़कियों के बीच जोसेफीन ने सबसे सही तरीके से उसे आकर्षित किया और इसी तकनीक से उन्होंने अपने सिडक्शन में सफलता हासिल की। लेसन नंबर 3, अगर टारगेट के दिल में अपनी जगह बनानी है तो उसकी कमजोरियों को समझो। हम सभी को किसी सहारा देने वाले की जरूरत तभी होती है जब हम किसी मुश्किल समय से गुजर रहे हों। हम सबकी कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं और जब हमारा इन कमजोरियों से सामना होता है तो हमें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे समय में सहारा देने से हमारे टारगेट के मन में हम अपनी जगह आसानी से बना सकते हैं। इसीलिए सिडक्शन में हमें अपने टारगेट के अकेलेपन या और किसी कमजोरी को समझकर उसे भरने की काबिलियत दिखानी चाहिए। जब किसी को प्यार होता है तो वो अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि हम दूसरे इंसान को अपनी जिंदगी की कमियों को भरने में मददगार पाते हैं। हम अपनी जिंदगी में अपने खालीपन को दूर होता देखकर ही किसी दूसरे को अपनी जिंदगी में आने की परमिशन देते हैं। चाहे हम असली जिंदगी के रोमांस की बात करें या पॉलिटिक्स में होने वाले सिडक्शन की बात करें, सबकी शुरुआत एक ऐसी भावना से होती है जिससे टारगेट को दूसरे के रहने से अपनी जिंदगी में बदलाव और बेहतरी दिखाई देती है। इसके बाद ये जरूरी है कि हम टारगेट को अपनी खासियत दिखाएं, जिससे उसके दिमाग में हमारी जगह खास बन जाए। इसमें एक बैलेंस की जरूरत होती है। हमें अपने टारगेट की भावनाओं को एक हद तक जोड़ तोड़ करनी चाहिए, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि इसमें बात आत्मसम्मान पर ना आए, क्योंकि इससे सिडक्शन पूरी तरह से खराब हो जाएगा और टारगेट के दिमाग में हमारी वैल्यू पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेसन नंबर 4, अपने अंदर ऐसी विशेषताएं लाएं जिसमें टारगेट को सबसे ज्यादा दिलचस्पी हो। जिस तरह से शिकारी छोटे पक्षियों को शीशा दिखाकर उनका चेहरा उनको दिखाकर जाल में फंसाते हैं, उसी तरह इंसान भी कई बार सिडक्शन के इल्यूजन की वजह से खुद की समझ भूल जाते हैं, जिससे उन्हें फंसाना आसान हो जाता है। इस तरह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। टारगेट को जब हमारे अंदर अपनी पसंद की चीजें ही दिखाई देंगी तो वो बिना कुछ ज्यादा करे ही हमारी तरफ खींचता चला जाएगा। जब टारगेट बदलाव देखकर खुश हो तो ये सबसे ज्यादा काम करता है, क्योंकि इसकी आदत टारगेट को आसानी से पड़ जाती है और फिर ये ना मिलने पर इसकी कमी लगने लगती है। इसी तरह से जीनी पॉइसन ने फ्रांस के राजा लुई 15 को अपनी ओर आकर्षित किया। पॉइसन ने लुई 15 की छुपी कलाओं को जगाने और समझने में मदद की। उसने लुई 15 को हर तरह से अपनी इम्पोर्टेंस का अंदाजा दिलाया। ऐसा करने के लिए हम कभी कभी टारगेट की आदतों और चाहतों को अपने अंदर भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर अपने ही जैसे लोगों से भी आकर्षित होते हैं और ऐसा आकर्षण हमारे अपने फैसलों और भावनाओं पर निर्भर होता है। इसीलिए इसे सबसे नेचुरल कहा जा सकता है। लेसन नंबर 5, चीजों को बदल बदल कर दिखाते रहें और किसी चीज से भी ध्यान ना हटाएं। अपने टारगेट का ध्यान खींचना ही काफी नहीं है। अगर टारगेट का ध्यान आपकी तरफ आ चुका है तो फिर हमें चीजों को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। हमारे टारगेट के लिए चीजों को थोड़ा कंफ्यूज बनाकर उन्हें सोच में डाल देना चाहिए। ऐसा हमारे बर्ताव में अचानक बदलाव से हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल साधारण बर्ताव में किसी को भी ज्यादा देर तक दिलचस्पी बनी नहीं रह सकती। हम सभी को अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ नयापन पसंद आता है। जैसे हम जब किसी किताब को पढ़ते हैं तो उसमें लिखी अलग अलग बातों से हमारी दिलचस्पी इसमें बनी रहती है। इसी तरह के बदलाव को हम सिडक्शन कहते हैं, क्योंकि इनसे ही चीजों में हमारा इंटरेस्ट बना रहता है। अगर हम अपने टारगेट को मजेदार जगह पर नई चीजें करने ले जाएंगे, अपनी आदतों या पर्सनालिटी में थोड़ा बदलाव करके या अलग अलग तोहफे देकर हम टारगेट को अपनी अच्छी शख्सियत का एहसास दिला सकते हैं। ज्यादातर लोग पहली बार में जल्दीबाजी में फैसले लेते हैं,
क्योंकि पहली मुलाकात में सोची गई बातें अक्सर हमारी कल्पनाओं को दर्शाती हैं और इन कल्पनाओं को समझना जरूरी है। हम शुरुआत धीरे और शर्मीले व्यवहार से कर सकते हैं और बाद में हम समय के साथ अपने अंदर जरूरी बदलाव कर सकते हैं, जिससे सिडक्शन किसी भी जगह कमजोर ना पड़े। लेसन नंबर 6। एक समय ऐसा होगा जब हमें खुद को जरूरत से ज्यादा जाहिर करना होगा और तब पीछे नहीं हटना चाहिए। हर चीज का एक समय होता है और सिडक्शन में सभी कुछ नाप तोल कर करना जरूरी है ताकि टारगेट की दिलचस्पी बनी रहे। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब अपनी भावनाओं को जरूरत से ज्यादा दिखाना जरूरी हो जाता है। ऐसा ना करना असल में सिडक्शन की एक कमजोरी हो सकती है, इसीलिए ऐसे लम्हों को समझना बहुत जरूरी है और ऐसे समय पर पूरी तरह से खुद को जाहिर करना और भी जरूरी है। कभी कभी सिडक्शन में जरूरत से ज्यादा भावनाएं डालकर कुछ ऐसा करना भी जरूरी है जिसकी शायद जरूरत ना हो और जो पूरी तरह से किसी रिजल्ट की परवाह किए बिना किया गया हो, क्योंकि ऐसी चीजें ही असल में दिल में सबसे जल्दी जगह बना लेती हैं और ऐसा करने पर सिडक्शन में सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ, हमें अपनी इम्पोर्टेंस जताने के लिए इसे हद से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए और अगर ऐसा अवसर ना आए तो हम ऐसे अवसर खुद बना सकते हैं ताकि हम अपनी इम्पोर्टेंस या अपनी भावनाओं को समय रहते व्यक्त कर सकें। छोटी छोटी जरूरत के समय पर हम टारगेट की मदद करके अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास दिला सकते हैं या फेवर ले सकते हैं। अगर मदद के बाद भी हमें इम्पोर्टेंस ना मिले तो हम इसे धीरे से और घुमा फिरा कर जता सकते हैं, लेकिन इसे हमें बहुत ऑब्वियस नहीं दिखाना चाहिए। लेसन नंबर 7। टारगेट के बचपन की यादों से जुड़ना सिडक्शन में मददगार हो सकता है। बचपन की यादें सभी तरह की हो सकती हैं और इसमें सभी तरह की भावनाएं शामिल होती हैं। अगर हमारे टारगेट की बचपन की यादों से हम जुड़ जाएंगे तो टारगेट का हम पर भरोसा बढ़ जाएगा और इससे हम पर उसका ज्यादा ध्यान जाएगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि टारगेट की बचपन की यादों की मदद से हम अपने भावनात्मक कनेक्शन को मजबूत बना सकते हैं। जब हम टारगेट के बचपन से गहरा भावनात्मक कनेक्शन बना लेते हैं तो विश्वास और प्यार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हम सभी अक्सर अपनी जवानी और अपने बचपन को सोचकर इन्हें वापस लाने की चाह रखते हैं, क्योंकि वही ऐसा समय होता है जब हम हर समय सुरक्षित और खुश महसूस करते हैं। अगर सिडक्शन में हम ऐसी ही भावना को आज की असलियत बनाने में कामयाब हो जाएं, तो इसकी सफलता बहुत आसान हो जाएगी। टारगेट की सभी तरह की भावनाएं और कल्पनाएं फिर अपने अतीत से छूटकर आपसे जुड़ जाएंगी, जो सिडक्शन की सबसे बड़ी सफलता कही जा सकती है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें टारगेट की भावनाओं को सुनना और समझना होगा, उनकी कमजोरियों और भावनात्मक बदलावों को जानना होगा। लेकिन साथ साथ हमें अपनी भावनाओं को टारगेट से ना जोड़ने की कोशिश करनी होगी ताकि हम कही और अनकही बातों को समझ सके। सुनने और समझने में सफलता ही सिडक्शन की सफलता कही जा सकती है।